एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने गुरुवार को महानगर में सभी कोरोना जांच केंद्रों पर ड्यूटी पर लगाए गए लेखपालों और अमीनों के साथ तहसील के सभागार में बैठक की। बैठक में एसडीएम सदर ने कहा कि घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर अधिक से अधिक कोरोना जांच कराएं, जिससे कोरोना महामारी पर विराम लग सके। एसडीएम सदर ने शहर के शॉपिंग मॉल, दुकानदारों, ऑटो रिक्शा चालकों का ज्यादा से ज्यादा कोरोना जांच कराने के लिए सभी शॉपिंग मॉल मैनेजर व प्रबंधक को आगाह किया कि वे अपने अपने कर्मचारियों का कोरोना जांच कराएं, जिससे कोरोना महामारी को रोका जा सके। बैठक में तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित, नायब तहसीलदार सुनीता गुप्ता, राजस्व निरीक्षक प्रदुमन सिंह, कानूनगो वीर बहादुर सिंह, राधेश्याम शुक्ल सहित लेखपाल व अमीन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, फुटफॉल बहुत होता है, आवागमन बहुत होता है,
सभी से वार्ता करके अगले 7 दिन का प्लान आप बना लीजिए। अब केवल 5 दिन होना है, जैसे मानिए कल आपका नहीं है तो कल आप प्लानिंग में कीजिएगा कि हम अगले 3 दिन में कैसे करेंगे, क्योंकि होता क्या है कल फ्राइडे है, आप देख चुकी साप्ताहिक बंदी अब केवल संडे को होगी, सैटरडे आप वर्किंग है तो शनिवार को दिक्कत नहीं होगी, तो छुट्टी वाले दिन होते हैं, छुट्टी वाले दिन भीड़ जुटाना मुश्किल होता है। इसके लिए जरूरी है कि हम कल का अगर टाइम मिला है उसमें अपनी स्ट्रेटेजी बना लें, जगह जगह बात कर लें, किसी बड़े जो जहाँ पे शाही मार्केट है, आज मेरी बात होती है शाही मार्केट में बात कर लीजिएगा, किसी अनाज मंडी में बात कर लीजिएगा, किसी जैसे बिग बाजार है, अमीन मॉल है, केडी मॉल है, एडी मॉल है, जो भी वहाँ बात कर लीजिएगा, किसी बैंक में बात कर लीजिएगा, पीएफ में बात कर लीजिएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बात कर लीजिएगा, जहाँ पॉजिटिव निकले हैं, तो उससे क्या होगा कि आने वाले आपका संडे का और क्योंकि लगातार होगा सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे 4 दिन होगा, फिर वेडनेसडे को आपको छुट्टी मिलेगी क्योंकि वेडनेसडे को टीकाकरण होगा, तो अगले 4 दिनों की रूपरेखा कल आपको मिल जाएगी कि अगले 4 दिनों में कैसे कैसे आप कराएंगे। यकीन आज जो हुआ है बड़ा अच्छा हुआ है, मैक्सिमम जगह पे आपने 100+ दिया है मैक्सिमम जगह पे, तो मैं गया था जैसे 4-5 सेंटर में राम के, राम बड़ा अच्छा काम कर रहा था, उसने कई सारे जगह घूम घूम के अनाउंसमेंट किया, सचिन साहब गए थे बता रहे थे कि कई जगह लोगों ने बड़ा आप ठेले वालों से, रिक्शे वालों से, ऑटो वालों से बात कर रहे थे, मोतीपुर में इतना बढ़िया हुआ, आपके यहाँ बहुत अच्छा हुआ, सब लोगों के समन्वित प्रयास है हमारे अमीन और हमारे लेखपाल एक टीम, और आप सभी लोग हमारे एक प्लेयर की तरह हैं और सभी लोग बहुत अच्छा है, सदर की जो टीम है उस पर बड़ा विश्वास किया जाता है, आप देखिए शहर का टारगेट, जिले का टारगेट 5,000 का है और सदर का टारगेट 4,000 का है, तो 5,000 से 4,000 तो हमारा है, क्योंकि ऐसा हमसे अपेक्षा की जाती है क्योंकि हम डिलीवर कर सकते हैं और हम कर रहे हैं, तो आने वाले 4 दिनों में कल को छोड़ के उसके लिए स्ट्रेटेजी बना लीजिएगा, और शाम को इस मीटिंग के बाद 7 या 8 बजे तक हमें वो प्लेसेस मिल जाए जहाँ पे वो होना है, कैंप होना है, तो उस प्लेस को हम अपने फेसबुक के जरिए हम अपनी मीडिया पर डालते हैं, फेसबुक से भी कई सारे हमारे बहुत सारे मीडिया कर्मी हैं, बहुत सारे मीडिया के लोग हैं, उसका उसमें जो देखते हो लेते हैं कि ये जगह बननी है, सभी लोगों ने शेयर किया फिर से आना, आप इसे ये भी एक सूचना, ये पूरा जैसे रोजी को आप इसीलिए बैठाते हैं कि वो पूरा जैसे आपकी जितने प्लेसेस हैं वो पहले ही पहले पता चल जाए और उसको फिर हम अगले अगले उसमें दे दें, ताकि क्या होता है कि पहले से सूचना अगर आ जाएगी मीडिया के जरिए तो कल यहाँ कैंप लगने वाला है, थोड़ा लोग आप ऑटोमेटिक आएंगे, थोड़ा कुछ लोगों को देख के आएंगे, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी 4 दिनों की होगी चाहिए कि कहाँ कहाँ से आप लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, कल आप बात कीजिएगा। और एक इशू ये भी है कि यहाँ पर जैसे कहीं पुलिस का भूमिका है, कहीं पुलिस नहीं मिल पा रही है, जैसे राम ने तुमने बताया तो कहीं हमने फोन करी, तो ऐसे जहाँ पे आपको जरूरत है कि जहाँ पे ज्यादा बल की आवश्यकता, एनफोर्समेंट की आवश्यकता है, वहाँ बताइए हम तुरंत बात करेंगे, और हमारे जो MYC हैं, डॉक्टर्स हैं, इनका एक ड्यू रिगार्ड है, ड्यू रेस्पेक्ट इनको मिलना चाहिए, वो आप प्रेशर हम हैंडल करेंगे तभी हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमारी वो है, उनको उतना प्रेशर ना, कभी उनका प्रोफाइल ऐसा नहीं है, तो हमारा जॉब प्रोफाइल हमें ऐसा बनाता है, प्रेशर आप उनको कीजिए, लेकिन कभी भी उनका जो ड्यू रिगार्ड है वो कीजिए, आप लोगों की बड़ी प्रशंसा होती है, बड़ी प्रशंसा करते हैं, डॉक्टर जैसे बात होती है शाह डॉक्टर अभी से बात होती है तो हमेशा रजत का नाम बताते हैं, ताकेश्वर का नाम बताते हैं कि अच्छा काम करते हैं, जब भी बात होती है पल्लवी से डॉक्टरों से राम का नाम बताते हैं, आज मोतीपुर में आप तो सब प्रशंसा करते हैं, तो ये हमारा काम है, ड्यू रिगार्ड जो है वो कीजिए, अगले 4 दिनों का बनाइए, एसोसिएशन वालों से बात कीजिए, जो भी हमें बात कर सकते उनसे कीजिएगा, और पहले आप जगह टाइम बता देंगे, पहले अगर लोकेशन बता देंगे तो मीडिया के जरिए दे देंगे, और एक हम ये भी कर सकते, मैंने आपको बताया था कि एक ऑटो में रख के अनाउंसमेंट करा देते हैं, उसके लिए भी हमने बोल दिया है कि जैसे पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है, ऐसे 1-2 घंटे का एरिया में जहाँ जहाँ लग रहा है कि वहाँ पर कराएँ, आज हम खुद गए थे कई जगह और कई जगह पर हमने ऐसे अनाउंसमेंट किया और सबको लेके आए, ये काम करना होता है, आप कनेक्ट रहिए लोगों के साथ, और ये देख लीजिएगा हमने 22 जगहों पर वो कल लगाए साहब डाल दिया था, उन सब पर सैनिटाइजिंग होना चाहिए, ताकि जो एंटी है वो काम कर रहे हैं, तो उनको जानना जनरली ये कह रहे थे कि लोग ज्यादा हो रहे हैं, एक
टीकाकरण का दिन था इसलिए शेड्यूल नहीं था। मैं यूनिवर्सल बिग बाजार आपके लिए ओरियन माल और सर सारे आपसे जो हमारे क्षेत्र में हैं जो सरकारी आपसे ऑफिस हैं उन सब जगहों को सर मैंने जा करके और लोगों को मोटिवेट किया और मैंने कहा कि आप आकर के फ्री में कोरोना टेस्ट हो रहा है तो आपकी कंसेंटर अर्बन का है और आकर के सब लोग आप करा रहे हैं। अगर आप अपना चेकअप करा देंगे तो यह आपके और आपके परिवार के लिए प्लस आपके साथ के लिए भी बेहतर होगा। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको वहाँ बीमारी है तो तत्काल जो है अपना प्रिकॉशन लेकर के दवा वगैरह स्टार्ट कर लेगा और आगामी लोगों में ये वायरस फैल नहीं पाएगा और आप अपने साफ को दुकान को भी सारी चीज़ों को स्टार्ट होगा। इसका सर मुझे फायदा मिला और आज हमारे सेंटर पर लमसम सर 161 लोगों का मैंने टेस्ट करा था और काफ़ी सर स्टाफ वापस कर दिया क्योंकि सर समय नहीं था उनको। सर मैंने पुनः शनिवार को मेरे वहाँ शेड्यूल होगा उनको मैंने बुलाया और कल मैं पूरा दिन भर फिर मैं वर्क करूँगा सर और कोशिश करूँगा कि मैं अपने टारगेट पहुँचना चाहूँगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने तय किया है कि प्रत्येक दिन हमें 5000 टेस्ट कराने हैं जिसमें से 3000 से अधिक टेस्ट हमारे शहरी एरिया में होने हैं। तहसील सदर का टारगेट 4000 का है और इसी संदर्भ में हमने सभी लेखपाल अमीनों को लगाया है और उनकी समीक्षा की जा रही है कि जो शहर के 22 अर्बन PSC हैं शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर प्रत्येक पर मिनिमम 100 टेस्ट होने चाहिए। उसके बाद 5 हमारी मोबाइल यूनिट हैं जहां पर जो शहर की विभिन्न जगहों पर लगती हैं उनमें भी टेस्ट होने चाहिए। इसके अलावा फिर हमारे पिपराइज खुराबार भटट और ये जगह हैं जो CSC है वहां पर टेस्ट हो रहे हैं। तो शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अधिक से अधिक संख्या में टेस्ट हों जो पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आएँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से टेस्ट हों तो जितनी ज़्यादा अधिक टेस्टिंग कराएंगे उतना जल्दी हम इसको इस संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाब होंगे। तो शासन के निर्देशानुसार DM सर के मार्गदर्शन में प्रत्येक दिन हम टेस्ट करा रहे हैं। इसी संदर्भ में हम प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे लेखपाल और अमीनों की मीटिंग रखते हैं ताकि अगले दिन की रणनीति तय की जाए और कहां कहां किन किन जगहों पर टेस्ट लगाना है वहां की दिशा निर्देश तय किए जाएँ और वहां पर टेस्ट के लिए जो आसपास के लोगों से वार्ता है और जो जिन जिन लोगों को लेके आना है वो कितने लोगों को लेके आ रहे हैं उसके बारे में भी रणनीति बनाई जाए। तो इसी संदर्भ में हम मीटिंग करते हैं और आज भी यह मीटिंग उसी का हिस्सा है। आम जनमानस से इसको लेकर जांच कराने के लिए अपील कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि अर्बन जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर 22 हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं इसके अलावा 5 हमारी मोबाइल यूनिट हैं 27 केंद्रों के जरिए हम शहर के प्रत्येक कोने में लोगों की जाँच के लिए तत्पर हैं। कोरोना जांच हो रही है निशुल्क जांच हो रही है जांच ही इसका इलाज है। जितना जल्दी जांच आप करवा लेंगे उतना जल्दी आप अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। सुरक्षित रहें मास्क लगाएं
अगर इनकेस अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव भी आ जाता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। शासन के दिशा निर्देशानुसार अगर किसी तरीके का कोई लक्षण नहीं है तो वो अपने घर में भी आइसोलेट रह सकता है। इससे फ़ायदा, एक फ़ायदा ये होगा कि जो जिन लोगों को लगता है कि उनको पॉजिटिव आते अस्पताल भेज देंगे, वो नहीं करना, घरों में रह सकते हैं, और दूसरा अपने घर के अन्य सदस्यों को इस संक्रमण से रोक सकते हैं। जैसे हम लोग भी पॉजिटिव हो गए, हमारे तहसील सदर का स्टाफ, SDM, तहसीलदार का पॉजिटिव हो गए, नायब तहसीलदार, लेकिन आइसोलेट कर लिया और लोगों को नहीं हुआ और वापस से सही होके वापस से काम कर रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे, इससे डरे ना, बस सुरक्षा रखें, जागरूक रहें, सतर्क रहें। जो हमारी कोरोना जाँच चल रही है उन कोरोना जाँच में अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने और अपने परिवार का टेस्ट कराएं। किसी भी भ्रांति, किसी भी रूमर, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा निःशुल्क जांच हो रही है। जो जांच 5.5-4 हज़ार रुपये प्राइवेट में होती है वो निःशुल्क जांच हो रही है। इसीलिए अधिक से अधिक संख्या में आएं और प्रत्येक दिन हम तहसील सदर गोरखपुर फेसबुक पेज पे उन लोकेशन का वर्णन करते हैं जहाँ पर अगले दिन कैंप लगना है। तो तहसील सदर फेसबुक पेज को भी देखते रहें, वहाँ पर आपको 22 जगहों का स्थान मिल जाएगा जहाँ पे कैंप लगना है। इसके जरिए आप अधिक से अधिक संख्या में कर सकते हैं। धन्यवाद।